वेलकम टू द सेंट एंजल्स ऑनलाइन क्लासेस। वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो दो नेचर शो करता है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वो वेव नेचर भी शो करता है। लेकिन मैंने बताया था आपको कि कुछ फिनोमिना जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये कुछ फिनोमिना लाइट के ऐसे हैं जिनको हम केवल और केवल पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनको प्लैंक्स ने केवल पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया था, जबकि जो इनमें वेव नेचर है यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर है वो इन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, वो यहाँ पर फेल हो जाती है। तो सबसे पहले एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर लाइट डालते हैं तो उसको क्या होता है। जब भी हम किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डालते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर वाइट लाइट डाली है, तो ये क्या करेगा, कुछ लाइट को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ लाइट को ये क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा, और कुछ लाइट को ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वही क्या होती है, हमारी आँखों में कलर प्रोड्यूस करती है। यानी जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि एक बॉडी हमें ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है वो ब्लू कलर की, क्योंकि वो जो ब्लू कलर की लाइट है उसको सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी आंखों पे जो कलर आ रहा है। देख, हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी और कलर को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है या किसी और कलर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है, वो लगभग सभी कलर को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है। बट हम कहेंगे कि जो ब्लू कलर है वो उसको सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी हमारी आंखों पे सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी आ रही है वो किसकी आ रही है, ब्लू कलर की आ रही है। इसलिए वो कलर हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का प्रोड्यूस या ब्लू कलर की जो हमें वो ऑब्जेक्ट है वो अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हीट। अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो क्या होता है, हीट करने पर बॉडी जो है वो हर फ्रिक्वेंसी को एमिट करती है, यानी जीरो से लेकर इन्फानाइट तक लगभग हर फ्रिक्वेंसी को वो क्या करेगी, एमिट करेगी। किसी भी बॉडी को अगर हम किसी भी टेम्परेचर पर क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसी भी बॉडी को किसी भी टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो वो क्या होती है, वो हर फ्रिक्वेंसी को लगभग हर फ्रिक्वेंसी को वो क्या करती है, एमिट करती है। लेकिन फिर भी हमें उसका क्या होता है, कलर तो हमें उसका कुछ एक डेफिनेटली दिखाई देता है, कि जैसे कि अगर हम आयरन ले, आयरन का जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसकी जो क्या होती है, उसका कलर जो होता है वो चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो हर फ्रीक्वेंसी को एमिट तो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर फ्रीक्वेंसी को सेम अमाउंट में एमिट कर रहा है या सेम इंटेंसिटी से एमिट कर रहा है। बॉडी क्या करती है, किसी एक फ्रीक्वेंसी को सबसे ज़्यादा एमिट करती है, बाकी फ्रीक्वेंसी को उससे कम एमिट करती है। यानी जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे जैसे हम लैम्डा बढ़ा रहे हैं यानी वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाके ये क्या हो रही है, मैक्सिमा, यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रोड्यूसर है यानी मैक्सिमम इसको एमिट कर रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से एमिशन का इंटेंसिटी कम होती जा रही है, यानी किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो सबसे ज़्यादा एमिट करेगा, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा एमिट करेगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मीन्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हम क्या कह सकते हैं, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अ बॉडी इज एमिटिंग ऑल द रेडिएशन बट अ सर्टेन रेडिएशन इज वी कैन से अ सर्टेन रेडिएशन इज एमिटेड मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड लैम्डा मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं कि जैसे जब अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उससे जो एमिटेड रेडिएशन होता है वो कैसे चेंज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट दैट हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। जैसे मैंने बताया कि एक जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हर एक वेवलेंथ को एमिट करता है, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या होगा, जो एक रेडिएशन है, कोई एक ऑप्टिम या कोई एक रेडिएशन, एक वेवलेंथ है, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। हर एक टेम्परेचर पे किसी ना किसी एक वेवलेंथ की जो रेडिएशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज़ जनरेटेड। यानी जो लैम्डा मैक्सिमम है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती है, यानी एक शॉर्टर वेवलेंथ की जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। जैसे कि इसका एग्जांपल, जैसे कि हम एक आयरन रोड को हीट करते हैं, अगर एक आयरन रोड को हीट करते हैं तो वो क्या होगा, पहले तो वो क्या होगा,
फर्स्ट इट टर्न्स टू द डल रेड, पहले वो एक डल रेड कलर में चेंज हो जाएगी, एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम्स मोर रेड, और ज़्यादा रेड होगी। फिर फर्दर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, पहले वाइट कलर की हो जाएगी और देन फिर क्या होगी वो एग्जैक्टली ब्लू कलर की हो जाएगी। यानी जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। पहले तो क्या था, जैसे विबग्योर में अगर हम देखते हैं, किसमें, विबग्योर में, विबग्योर में क्या होता है, लेफ्ट राइट जाने पे लैम्डा बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। लैम्डा बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। यानी रेड लाइट की जो अगर हम बात करते हैं, रेड लाइट का लैम्डा सबसे ज़्यादा है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबसे पहले वो क्या होगा, रेड कलर का हमें दिखाई देगा। जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो येलोइश कलर का होगा, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, वाइट कलर का हो जाएगा, जब वो लगभग लगभग सारी इंटेंसिटीज़ को या सारी वेवलेंथ्स को एमिट करने लगेगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं क्या, कि जब 7 विबग्योर कलर मिलते हैं तो कौन सी कलर लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, वाइट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक पॉइंट आएगा कि वो वाइट कलर का हो जाएगा, या एक टेम्परेचर पे वो वाइट कलर का हो जाएगा। अगर हम और भी फर्दर उसको हीट करेंगे तो वायलेट का जो प्रोपोर्शन होगा वो और भी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। यानी किस वेवलेंथ की इंटेंसिटी कितनी होगी वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी क्या होगी, एक वो ऑब्जेक्ट जो सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके या सभी रेडिएशन को एमिट कर सके, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट, यानी कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती है, बट कार्बन ब्लैक को हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से वो परफेक्ट बॉडी मान सकते हैं, हालांकि परफेक्ट नहीं होती है वो भी। अब पॉइंट आता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कि वेव नेचर से हम इसको कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए और इसको हम पार्टिकल नेचर से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो फेलियर है यहाँ पर, हमने बताया था ना कि इस यानी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर सकते, इसका फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जैसे जैसे, क्योंकि जो वेव थ्योरी ये कहती है कि जो वेव की एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो उसकी इंटेंसिटी और उसके एम्पलीट्यूड दोनों पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जो एमिटेड वेव है उसकी एनर्जी बढ़ेगी, जो एमिटेड वेव है उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ना चाहिए और उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़नी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ घटनी चाहिए, या हम यानी हम जैसे जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेव की एम्पलीट्यूड भी बढ़ना चाहिए और उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़नी चाहिए, या उसका वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसके एम्पलीट्यूड पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, एम्पलीट्यूड पर तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही फेलियर है इसका कि एम्पलीट्यूड पर कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। सेकेंड पॉइंट कि उसकी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ की इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए। तो नो डाउट इंटेंसिटी तो बढ़ती है लेकिन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। तो फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ी है, अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ी है, हम इसको किससे एक्सप्लेन करते हैं, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, क्योंकि प्लैंक ने पहले अज्यूम किया कि सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यह कि जो रेडिएशन होता है टेम्परेचर, कोई भी बॉडी जो है वो रेडिएशन क्यों करती है, किसी भी फोटो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों शो करती है, क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर ऑसिलेशंस होते हैं, एटम्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं, और उन ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती या घटती है, उन ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो बढ़ती रहती है या घटती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, जैसे हम क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, इंटेंसिटी क्या हो जानी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी पे कोई, हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी का चेंज होना हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर से। इसके लिए प्लैंक ने क्या किया, अज्यूम किया कि दैट द एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन अराइज फ्रॉम द ऑसिलेटर, इट मीन्स एटम
इन द वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी देयर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज चेंज बाय इंटरेक्शन विद ऑसिलेशन ऑफ ईएम वेव्स। यानी जब जो एटम्स होते हैं, जब जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और उनकी जो ऑसिलेशंस होते हैं जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऑसिलेशन से इंटरेक्शन करते हैं तो उनके ऑसिलेशन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यानी अगर वो तो हम कह सकते हैं कि जैसे क्या करता है, कोई एटम का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, किसी एटम का हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कंटिन्यू बढ़ती जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी मीन्स ज़्यादा ऑसिलेशंस होंगे उसमें, एक एटम में क्या होंगे, ज़्यादा ऑसिलेशंस होंगे। और वो क्या करता है, डिस्क्रीट मैनर में कोई एटम या मॉलिक्यूल क्या करता है, डिस्क्रीट मैनर में यानी अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, अगर कंटिन्यूस मैनर में करता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। अगर वो कंटिन्यूस वेव नेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी को एमिट करता, अगर कंटिन्यूस मैनर में एमिट करता तो उसी केवल क्या चेंज होती, इंटेंसिटी चेंज होती। लेकिन वो क्या करता है, डिस्क्रीट मैनर में क्या करता है, वो फ्रिक्वेंसी को डिस्क्रीट मैनर में क्या करता है, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब या एमिट करता है। तो डिस्क्रीट मैनर में करने से क्या होगा, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी कंटिन्यूस, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, चेंज होती जाती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती जाती है। और यहाँ पे है हम बताएंगे कि जो रेडिएशन की एनर्जी होती है वो उसकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पे, उसकी फ्रीक्वेंसी पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी जो एनर्जी है रेडिएशन की वो किस पर डिपेंड करती है, उसके फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। यही हम किस में पढ़ते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच न्यू। तो इसके बेस पे प्लैंक ने कहा कि जो एटम और मॉलिक्यूल है वो डिस्क्रीट मैनर में इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम और फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं। यानी इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जब कोई एटम या मॉलिक्यूल किसी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट में से क्या कर रहा है, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे उसके मॉलिक्यूल्स की या मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके क्या हो रहा है, ऑसिलेशंस बढ़ रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, उसी एनर्जी को एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स या फोटोन, जिससे उसके क्या रहे हैं, ऑसिलेशंस या उसके जो ऑसिलेशंस है वापस से क्या हो रहे हैं, कम एनर्जी के हो जा रहे हैं। तो जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा या एनर्जी का जो रेडिएशन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ और इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या क्वांटा होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।